हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापे और लेकर आया हूं ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद आपको बुरा भी लग सकता है। जी हां, हिंदू देवी देवताओं का एक बार फिर से बनाया गया है मजाक। जी हां, हिंदू देवताओं का बनाया गया है मजाक। अमेज़न प्राइम की नई सीरीज तांडव अगर आपने देखी हो तो तांडव के पहले ही एपिसोड में जेएनयू की रिप्लिका बनाई गई है वीएनयू, और वहीं पर छात्र आंदोलन जिस तरह से होता है उसी तरह से पूरा सीरीज में भी दिखाया गया है कि राजनीति में उसका क्या योगदान है। और इसी वीएनयू में स्टेज पर हो रहा है एक नाटक, और नाटक में शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और नारद मुनि आते हैं और कहते हैं नारायण नारायण, भोलेनाथ प्रभु ईश्वर, राम जी के फॉलोअर सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें कुछ नई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। इस पर दर्शक ठहाके लगाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि क्या करूं, कोई नई फोटो लगाऊं। इस पर नारद कहते हैं कि भोलेनाथ आप बहुत भोले हैं, कुछ तड़कता भड़कता कुछ नया कीजिए, कुछ सेंसेशनल कीजिए, जैसे कि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए हैं, उन्हें आजादी चाहिए। इस पर भगवान शंकर कहते हैं आजादी व्हाट द, जी हां बिल्कुल वही जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये भोलेनाथ के मुंह से ये डायलॉग कहलवाया है। अब बात सवाल ये उठता है कि क्या क्रिएटिविटी को सिर्फ भगवान मिलते हैं, आखिर क्यों, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं तलाशा जा सकता था? डायरेक्टर अली अब्बास जफर से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये डायलॉग शंकर और नारद के बीच में ही होना चाहिए थे, क्या इस पे और कोई किरदार नहीं हो सकते थे, कोई और आइकॉनिक कैरेक्टर्स नहीं हो सकते थे, आखिर क्यों उन्हें भगवान शंकर और नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि का सहारा लेना पड़ा। ये ऐसी रचना धर्मिता से बचना चाहिए ताकि जिससे लोगों को शायद बुरा लग सकता है। इसके पहले भी मैं आपको याद दिला दूं कि मुनव्वर फारूकी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसका केस भोपाल में चल रहा है और उनकी अग्रिम याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है, खारिज कर दी है। इसके पहले आपको याद होगा कि विशाल ददलानी जो आपके समर्थक है, म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी, उन्होंने जैन मुनि पर जो एक टिप्पणी की थी वो उसको लेकर पूरा जैन समाज सड़कों पर आ गया था, विरोध का सामना इतना बड़ा हो गया था कि आखिर पार्टी हाईकमान को जैन समाज से माफी मांगनी पड़ी थी। राम रहीम जिस तरह के कपड़े पहनते उसको लेकर सिख समुदाय का बहुत गहरे विरोध उन्होंने किया था, उसको लेकर बहुत सारा बवाल हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वही अमेज़न प्राइम है, अमेज़न का जो सामान बेचने वाला प्लेटफॉर्म है उस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगे जूते, टॉयलेट पे टॉयलेट सीट कवर्स और डोरमेट्स बेचे जा रहे थे, इसका भी बहुत विरोध हुआ था, उनको अच्छी तरह से याद होगा। बाबा रामदेव ने भी ट्वीट कर कहा था कि क्या अमेज़न मुस्लिम और ईसाई धर्म के पवित्र चित्रों को इस तरह से प्रस्तुत करने का दुस्साहस कर सकता है, हमेशा हमारे पूर्वज हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इसे क्रिएटिविटी मानकर छोड़ दिया जाए, या इस बात पर सवाल खड़ा किया जाए कि क्या इस तरह की क्रिएटिविटी से बचना चाहिए।